झारखंड में पिछले काफी दिनों से सियासी चहलकदमी का दौर चल रहा था और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की ओर से अटकलें अब साफ हो गई हैं। वहीं अपने पुराने नेता की वापसी को लेकर बीजेपी भी पूरी तैयारी में लग चुकी है। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और झारखंड के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर से मुलाकात की। इसके बाद साफ हो गया कि संभवत बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी होगी। जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी को झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय होगा। करीब 14 साल बाद झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी होगी। इसके लिए तारीख आखिरकार तय हो गई है। हालांकि जेवीएम सुप्रीमो अभी स्पष्ट रूप से कहने से बचते नजर आ रहे हैं। एजेंडा भी कल तय हो गया। आज कोई एजेंडा, हम बाहर थे और बाहर से हमने कहा था कि भाई वर्किंग कमेटी बन गई थी, तो हमने कहा कि नहीं, वर्किंग कमेटी की बैठक बुला लिया जाए। हमसे लोग पूछा भी था कि एजेंडा, हम बोले कि बैठक में एजेंडा हम लोग तय करेंगे। हालांकि बीजेपी भी जेवीएम की कार्य समिति में लिए जाने वाले फैसले का इंतजार कर रही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी का बीजेपी में आना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि रांची में संभवत 17 फरवरी को एक भव्य कार्यक्रम में झाविमो का भाजपा में विलय होगा। वही गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी इसकी घोषणा करेंगे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर भी मौजूद रहेंगे। अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो हमारी पूर्व की सरकार ने किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद, कृषि आशीर्वाद योजना की जो शुरुआत की थी, उसको ये सरकार बंद करने जा रही है। अब ऐसी खबरें आ रही है कि सरकार जितनी पुरानी सरकार की अच्छी योजनाएं चल रही है उसे भी बंद कर रही है, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम मानते हैं, हमने पहले ही कहा था कि हम एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और सरकार अगर कोई अच्छा कार्य करती है तो उसका पूर्णतः साथ भी देंगे, लेकिन सरकार अगर कोई गलत कार्य करती है या सिर्फ अपने, मुझे लगता है, एजेंडा को लागू करने के लिए किसानों के अहित की सोचेगी, तो भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में सड़कों पर उतरेगी। अब वही देखने वाली बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में कब तक ऐसे कयासों का बाजार सजेगा। 17 फरवरी को झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय होगा या फिर नहीं। रांची से